ओम शांति। 3 फरवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नरसे नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। प्रश्न है मुरली का, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है, समझदार कौन है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऑलराउंडर हैं, समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। कभी दुखदायी नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। अब ये कौन सा गीत में जो बाबा ने कहा है ना कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल, जो ऊपर से ज्ञान सागर बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, और इंद्र किसे कहा, जो बाबा ने बरसात की है ना, ज्ञान की बरसात। तो ये जो बाबा ने इतने सारे निमित्त ज्ञान सागर के बच्चे, जो मास्टर ज्ञान सागर हैं, ज्ञान नदियां हैं, तो वो बादलों में कैसे, बादलों में बिखरते हैं ना, तो फिर चारों तरफ बारिश होती है, ऐसे ही यह बिखरेंगे बादल, है ना। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं, बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पितावृता होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा कहते हैं, रचयिता बाप गाया जाता है ना, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम ईश्वर के संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर, इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र तो जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। अब जानी जानन हार आए, जो इस नॉलेज को जानता है वही तो आकर के समझाए, तो और कोई तो इस दुनिया में जो ड्रामा में आते हैं वो कैसे इस ड्रामे को समझेंगे, है ना। जो ऊपर रचता बाप है वही समझेगा। तो बाबा कहते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई, कृष्ण की 108 पटरानियां दिखाई गई, है ना। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से वहां जहरीले नाग को नाथा ये सब दिखाते हैं ना, तो यह सब तो बाबा कहते हैं, कह देते हैं, दुनिया में अनेक अनेक मत हैं, कह देते हैं ब्रह्मा का दिल अपनी बेटी पर आया। तो यह हुआ पावन दुनिया की ग्लानी करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं, गाया भी है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी बावी के कह नहीं सकते, वह है ही कुख वंशावली।
है ना, जन्मते हैं माँ के कोख में। मुख वंशावली ब्राह्मण परमात्मा ने रचे हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं वह तो जो है उन्हें कह नहीं सकते जो कुख वंशावली है, तो तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। और जो बाबा ने ऊपर बताया है कि जिनकी आत्मा में 5 विकार टच भी ना हो वो सच्चा ब्राह्मण है, है ना। इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए है कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य ले। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य रखना है कि हम नरसिंह नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, 2 नंबर है क्रोध। क्रोध अधिक भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूतवश परवश हो गया। बाप को याद ना करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी वाकामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान, और देह अभिमान आने से ही बाकी सारे विकार आते हैं। तो अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहें तो बाप मदद भी करें। अब जब आप बच्चा कहेंगे तो आपको क्या याद आएगा? एक माँ याद आती है, फिर एक पति कहेंगे तो पत्नी याद आती है। अब रिश्ते नाते जो हैं शरीर को याद करेंगे तो यही सब याद करेंगे। अब परमात्मा के पास तक यदि पहुंचना है तो आपको खुद भी तो उनके समान बनना होगा, क्योंकि परमात्मा का रिश्ता आत्मा के साथ है ना कि शरीर के साथ। तो जब आप अशरीरी होंगे, देही अभिमानी बनेंगे, देह से खुद को न्यारा समझेंगे, तब तो वो देही निराकार परमात्मा याद आएगा जिसको देह है ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो सबसे पहले उनको बाबा कहते हैं मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं, है ना। तो बाबा को तो जब याद करेंगे देही अभिमानी बनकर, तब तो फिर उनकी मदद मिलेगी। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी, यह मनुष्यों को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। यह समझाने शास्त्रों में नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? दादा का वर्षा किसके द्वारा, दादे का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है ना। तो बाबा कहते दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप की मदद भी मिलेगी, बाप भी मदद देंगे। तुम कहां मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बाबा ने कहा भी है हर संकल्प में यदि मुझे साथ लेकर चलोगे तो कुछ बनेगा बिगड़ेगा तो उसका जिम्मेवार भी मैं हूँ। कर्म में रहते मुझे याद करो। मुरली चलाते समय भी भल आपको कई बार होता है, आपको सब कुछ आते हुए भी जब आप पब्लिक के सामने स्टेज पर आते हैं, बोलने का समय आता है तो आवाज में कंपन होता है, लेकिन यदि आप उस
सर्वशक्तिमान बाप को कम माइंड रखेंगे कि मैं नहीं, करण करावन हार मुझ में कम माइंड होकर के मुरली चला रहे हैं, तो वो सब जो भी आप अंदर से डर है वो सब निकलेगा, साथ साथ बाबा मदद भी करेंगे। और इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा प्रवेश कराए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। देखो कई बार आप पेपर में लिख करके स्पीच तैयार करते हैं, स्पीकर पर जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन आप उस पेज को देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कंबाइंड करके परमात्मा को रखा है, ईश्वर को रखा है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या बोला। आप कभी अपना खुद का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि मैंने क्या बोल दिया और क्या सोचा था और क्या लिख करके गए थे। तो ऐसा बाबा मदद करते हैं। बाबा कहते हैं पता ही नहीं चलेगा कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं, समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? तुमको यह भी पता थोड़े ही पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। ऐसे और कोई कह ना सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। जो नूर रतन बच्चे हैं ना, जो ब्रह्मा की आंख में वो एक छोटा सा डॉट चमकता है ना, वो कौन है पता है? शिव बाबा देखते हैं हम नूर रतन बच्चों को, है ना? ओ बाबा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह ना सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कहता हूँ और मैं ही कह सकता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूं ना, तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो, तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने अच्छी मुरली चलाई, मेरी तो है ही नहीं तो मैं कैसे चलाऊं? यह तो परमात्मा ने निमित्त सेवाधारी बच्चा चुना तो बाबा की मुरली चलाई, मेरी कर्मेंद्रियों का सहारा, लेकिन करण करावन हार बाप मुख मेरा। परमात्मा के महावाक्य है ना, शक्ति परमात्मा की और मुरली मुख मेरा, है ना? तो इस तरह से बाबा ने चलाई। तो बाबा कहते हैं अच्छा समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने चलाई, नहीं, यही समझना है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है, हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है, हम नरसे नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी हूँ मैं जाऊं, ऐसे नहीं। पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे, बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, वह दुखदायी भूत बनते हैं। जिनको याद नहीं रहता तो नुकसान होता है। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना, समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्या करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना, बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराज पुरी में बहुत खानी पड़ेगी, इसलिए गफलत मत करो। यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में, मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है, ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है, जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते, माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। माया तो बाबा कहती हैं जो बच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं ना, जो बाबा के बच्चे, तो उनको तो और अधिक आएगी, क्योंकि माया उसी से लड़ेगी ना जो अच्छा ताकतवर है, उससे थोड़ी लड़ेगी जो कमजोर है ना। तो बाबा के बच्चों को तो बाबा कह रहे हैं और अधिक आएगी, है ना, तो फिर ऐसे पछाड़ेगी, पिछाड़ेगी, पीछे तो रहेगी बिल्ली बनकर, बिल्कुल दबे पांव आती है, पता भी नहीं चलता, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। वही बात है ना कि बाबा को जैसे ही भूले और बस माया आई। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है, बाबा ने समझाया है, इससे भी बोझा चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए, ईश्वरीय औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं, वह शैतानी आसुरी गुण है, बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप के श्रीमत पर चलना है तब रेस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा, तो क्यों ना अपने से रेस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए, सब कुछ बाप दादा को सौंप दो, मालिक बना है तो मालिक को दे दो ना, फिर हमें क्या फिक्र है, उसका कारखाना जाने और वो जाने, है ना, हम तो सिर्फ नौकर हैं। ट्रस्टी बनकर, ट्रस्ट करोगे तब तो ट्रस्टी बनोगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो ट्रस्टी कैसे बनेंगे, है ना। तो बाप दादा दोनों की मत मशहूर है, माता की मत पर भी चलना, है ना, माँ है ना ब्रह्मा माँ, तो उसकी मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है ना, फर्स्ट गुरु कौन है, माता है कि नहीं, तो वह मात पिता अलग है, इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है, तब पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है, शिव जयंती ही गाई जाती है, शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, वह है बिंदी, परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार, सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं ना, तो वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है और स्टार रहता भी प्रकृति में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्र त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि बाबा ने दी है, तो दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है, तुम चाहो स्टार लगा सकते हो, अपनी निशानी सफेद स्टार है ना, तो आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं, बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे, यह याद रखना है, किसकी दिल को दुखाना नहीं है, अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा, शिव बाबा आते ही हैं सुख देने, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी को, सभी एक दो को सुख देते हैं, यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं, मुख से कड़वा भी बोलते हैं, तो यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया, सतयुग में एक दो को सुख देने की दुनिया, समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे, हर एक की नब्ज तो नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है वा नहीं।
हम कहते हैं भगवान वाच तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवान वाच, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवानों बाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा, बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता, जैसे तत्ते तवे। फिर समझना चाहिए यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। आज मीठी मीठी सी किला दे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने, ऐसे बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लव यू बाबा, लव यू। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाबा ने कहा किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरा, कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादा की मत पर चल, अपना बोझ उतार देना है, बोझ रखोगे उड़ नहीं पाओगे, बोझ उतार दोगे उड़ जाओगे। अच्छा, वरदानी बाप का वरदान है, मीठा सा प्यारा सा बाबा का वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेला, ज्ञान अमृत पीने की बेला, परमात्मा से शक्तियों से भरने की बेला, परमात्मा से मिलन मनाने की बेला। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव, संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, आत्मा को उत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं, हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्मा है। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। आप किसी का सहयोग करते हैं तो आप उसे सहयोगी बना लेते हैं, है ना। दुआएं तो तभी तो मिलेंगी, है ना। उपकार करना है अपकारी पर भी। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया, गुड नाइट।